हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजदवा मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चे आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने वाले। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा इसके ऊपर हमने पहले एक लेक्चर बना लिया है, वो एक्सरसाइज हमने 7.1 की थी। उसमें हमने क्या किया था, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखा था बेटा। आज हम इसकी 7.2 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इसमें जो हमें टॉपिक दिया हुआ बेटा, वो हमारा जो टॉपिक है मेन है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, मैं इसके बारे में आपको पहले बेसिक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट का नाम रख लेते हैं x1, y1। सेकंड बी पॉइंट का नाम रख लेते हैं x2, y2। ये दो पॉइंट हो गए बेटा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स, ये एक लाइन बना रहे हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो बेटा ये लाइन को मैंने कहा आपने इसको कट करना है, मतलब आपने इसको ब्रेक करना है। तो बेटा मान लीजिए अगर मैं इसको यहां पर ब्रेक करूंगा, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला पार्ट दोनों अलग अलग है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अलग अलग है। हो सकता है इसको मैं यहां पर ब्रेक करता तो इक्वल हो जाती। तो बेटा क्या करना है, हमें इसे किस रेशो में डिवाइड करना है। जिस भी रेशो में आप इसको डिवाइड करोगे उसका नाम मेंशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए इधर वाले रेशो को m1 बोल देते हैं, रेशो m2, तो ये बेटा बन जाएगा m1 रेशो m2। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, देखिएगा सेक्शन फॉर्मूले को बेटा आप ऐसा रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर लाइन को ब्रेक किया और आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट को हमने क्या मेंशन कर दिया, P। मान लीजिए हमें P पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो बेटा इसका जो फॉर्मूला बनेगा या सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां पर आएगा M1, यहां पर ये जो M1 है आपने इस M1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब आएगा M1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, X2 से। प्लस यहां पर क्या फॉर्मूला है बेटा, M2, M2 को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, इधर, दैट मींस X1 से। दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, सेक्शन फॉर्मूला M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, इन दोनों रेशो का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो बेटा इसके पास कॉमा लगाएंगे, इसके बाद हम, इसके बाद यही सेम फॉर्मूला, ये हमने x कोऑर्डिनेट के लिए बनाया, अब हम किसके लिए बनाएंगे, y के लिए बनाएंगे बेटा। अब देखिएगा यहां पर M1 है, M1 इंटू Y2, M1 को मल्टीप्लाई करेंगे Y2 से, प्लस यहां पर कौन है बेटा, M2, M2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Y1 से। अब वन में क्या आ जाएगा बेटा, M1 प्लस M2। तो ये हमारा बेटा सेक्शन फॉर्मूला है जिसको आज हम यूज करेंगे। इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे क्लियर करके दिखाता हूं बेटा। देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, या आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठा लेते बेटा। 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इन द रेशियो ऑफ द 2:3। मतलब क्या है, आपके एक लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिए हुए हैं, एक लाइन के दो ज्वाइनिंग पॉइंट दे रखे, दैट मींस ए और बी दे रखा है बेटा आपको। ए पॉइंट क्या दिया हुआ बेटा, ये दिया हुआ है आपको -1, 7, और बी पॉइंट आपको दिया हुआ बेटा 4, -3। अब बेटा कहते हैं ये जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट है, इसको यहां पर कोई एक लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट है जो इस लाइन को कट करता है, वो किस रेशो में कट करता है बेटा, 2:3 में। ये किस रेशो में कट करता है, 2:3 में। तो बेटा आपको कहता है ये पॉइंट निकाल के दिखाना है जहां पर ये कट करता है। तो बेटा हम इस पॉइंट का नाम क्या मेंशन कर लेते हैं, P मेंशन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नाम रख लेंगे X1, इसका नाम Y1, इसको M1, इसको M2 नाम दे देंगे, इसका नाम रख देंगे X2, इसका नाम रख देंगे Y2। सेक्शन फॉर्मूला बेटा हमने ऊपर लिखी दी है आपके सामने, अब अपना पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे P पॉइंट। बेटा देखिएगा इसका सेक्शन फॉर्मूला ऊपर मेंशन कर चुके हैं हम। पहले आएगा M1, M1 कौन है, 2, इंटू में X1 की, M1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, X2 से, M1 इंटू X2, X2 की जगह 4, प्लस इसके बाद क्या बेटा, M2, M2 के लिए 3, इंटू में X1 कितना है, X1 के लिए बेटा -1, अपॉन में M1 प्लस M2, इन दोनों का सम 2+3, कॉमा, ये हमने X के लिए सोल्व किया, अब किसके लिए सोल्व करेंगे, Y वाले पॉइंट्स के लिए। देखिएगा M1 कितना है, 2, इंटू में क्या आएगा, Y2 कितना है, -3, प्लस M2 कितना है, 3, इंटू में Y1 कितना है बेटा, 7, अपॉन में M1 प्लस M2, 2+3, ठीक है बेटा। आगे हम इसको यहां पर सोल्व करेंगे, देखिएगा, हां जी क्या आएगा, 2 4 8, प्लस 3 को -1 से करेंगे तो -3, अपॉन में 2+3 5, यहां जगह कोमा, 2 को -3 से करेंगे -6, इसको इससे करेंगे प्लस का 21, डिवाइड बाय 2+3 कितना हो जाएगा, 5।
एक बात और बेटा, आप पी पॉइंट को वैसे भी मेंशन कर सकते हो एक्स कॉमा वाई से, साथ में आप लिख सकते हो पी पॉइंट पे कौन कौन से वैल्यू होगी, एक्स कॉमा वाई लिख देंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो जब पी पॉइंट सॉल्व करो इसमें एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद अपना आंसर क्या बनेगा, 8 - 3 - 5 / 5 - 6 + 21, तो कितना आ जाएगा 15 / 5, ये इससे कट जाएगा 3 पे, ये इससे कट जाएगा 1 पे, तो अपना जो आंसर बनेगा बेटा वो बन जाएगा 1, 3। तो मतलब हमें अपना पी पॉइंट के बारे में पता लग गया बेटा, पी पॉइंट जो होगा वो होगा 1, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 1, 3, यही हमें वो पॉइंट निकालना था जो इस लाइन को 2:3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब इधर वाला पार्ट 2 है, इधर वाला पार्ट कितना बेटा 3 है, ठीक है। हाँ जी, इसका नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा 7.2 का। देखिएगा सेक्शन फॉर्मूला आपको बेटा क्लियर हो गया होगा, आपके सामने लिखा हुआ है, तो बेटा अब हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, आपको याद हो गया होगा। एक याद करने का सिंपल सा पॉइंट भी है बेटा, देखो यहाँ पर अगर एम वन आएगा ना तो इसके साथ एक्स टू आएगा, ध्यान रखना 1 आ गया यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ 2 आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ कभी सेम वैल्यू नहीं आती, ध्यान रखना ऐसे याद रख लो आप ऐसे। यहाँ देखो एम वन आ गया फिर क्या आएगा वाई टू प्लस एम टू आ गया तो क्या आएगा वाई वन, ठीक है बेटा ऐसे यूज कर सकते हैं। हाँ बेटा, इसका हम जो सेकंड एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो देखिएगा क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आपको बेटा कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई के लिए निकालनी है, ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक लाइन दी हुई है आपको बेटा, इसके दो ज्वाइनिंग द पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंटों से लाइन बन रही है बेटा, ये बोल रहा है। ए पॉइंट क्या दिया हुआ बेटा, यहां दिया हुआ 4, -1 और बी पॉइंट क्या दिया बेटा -2, -3। कहता है अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्ट द लाइन, आपको वो कोऑर्डिनेट बताने हैं लाइन के ऊपर जो इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। उसने बोला ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, और 3 इक्वल पार्ट्स भी बोल सकते हो आप, मतलब तीनों इक्वल पार्ट्स होने चाहिए लाइन का। एक लाइन 9 मीटर है, उसको 3 हिस्सों में बांटना है, क्या करेंगे, पहला कट लगाएंगे 3 मीटर के बाद, फिर अगला 6 मीटर के बाद, अगला 9 मीटर के बाद, है 3-3 मीटर के क्या हो जाएंगे 3 टुकड़े बन जाएंगे। ऐसे ही कहते हैं यहां पर आपको एक लाइन दी हुई है, उसको 3 पार्ट ट्राइसेक्ट करना है उसको। तो देखो बेटा इसमें हम दो पॉइंट यहां कट लगाते हैं 1, 2, दो कट लगा दिए, एक ये हिस्सा, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट, और तीनों क्या है बेटा ये इक्वल है, ध्यान रखना, मतलब तीनों की लेंथ क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, इसका ये तीनों पार्ट्स की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। अब बेटा जब भी आपको ये कहेगा ट्राइसेक्ट तो ध्यान से सुना इसको कैसे बनाते हैं। बेटा देखो यहां आपने क्या किया, 3 हिस्से बना दिए ना, सभी पे आप रेशियो बना दो, 1:1:1 लिख दो, आपकी चॉइस है, आप रेशियो में कुछ भी लिख सकते हो, बट जो भी लिखोगे सारा सेम लिखोगे। देखिएगा जैसे 1:1:1, कई बच्चे कहते हैं 2:2:2 लिखना है, वो भी आप लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, जो आपका मन करे आप वैसा रेशियो लिख सकते हो, पर लिखना सभी को क्या पड़ेगा सेम, क्योंकि हमने इक्वल रेशियो में कट करवाना है। तो देखिए बेटा अगर आपको इस पॉइंट को निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, अब आप ये देखो यहां से यहां तक, अगर आपको यहां से यहां तक चल के आना है तो आपको एक ही स्टेप चलना पड़ेगा, तो यहां पर लिख लीजिए 1:। अब आपको इस पॉइंट से यहां तक आना है तो कितने स्टेप चलेंगे, 1 और 1, 2, तो पहले पॉइंट का जो रेशो बन जाएगा बेटा वो बन जाएगा 1:2, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, अब देखिएगा अगर मुझे इस पॉइंट से यहां तक आना है तो एक स्टेप तो इसका हो गया, एक स्टेप यहां से हो गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2:, यहां से यहां तक आना तो बेटा कितना हो जाएगा 1, ये बन गया 1:2, ये बन गया बेटा 2:1। तो ये हमने नीचे मेंशन किया था 1:1:1, ये हमने बताया था इस पार्ट और इस पार्ट की लेंथ क्या है सेम, तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या रेशियो बनेगा वो आपको मैंने बनाना सिखा दिया। अब बेटा देखिएगा मान लीजिए आपको एक पी पॉइंट निकालना है, पहले इसका नाम पी रख लेते हैं, इसका नाम क्या रख लेते हैं आर। अब देखिए बेटा मान लीजिए आपको पी पॉइंट निकालना है तो आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पी पॉइंट के लिए। हाँ जी, ये हमारा बन गया x1 y1, इसको बोलेंगे m1, इसको बोलेंगे m2, इसको भूल जाओ बेटा एक बार, इसको नाम रखेंगे x2 y2। जब आपको पी पॉइंट निकालना है तो आप एक बार आर को क्विट कर दीजिए, मान लीजिए आर है ही नहीं आपके पास। अब आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले हम क्या यूज करते थे बेटा वो देखिएगा, सेक्शन फॉर्मूले में हम यूज कर रहे थे, हाँ जी सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास था x1 कितना बेटा 4 * में अपने पास था m1 * x2 m1 कितना बेटा 1
इंटू एक्स टू कितना बेटा माइनस टू, प्लस एम टू कितना है टू इंटू एक्स वन कितना है फोर, अपॉन में एम वन प्लस एम टू वन प्लस टू। दोबारा रिपीट करता हूं, एम वन इंटू एक्स टू प्लस इसके बाद क्या था बेटा एम टू इंटू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, दोनों को यहां पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। इसके बाद देखते हैं बेटा क्या बनेगा, इसके बाद वाला पॉइंट यहां पर हो गया x के लिए, अब किस पॉइंट के लिए बनाएंगे y के लिए। यहां पर m1 कितना है 1, m1 को y2 से, y2 कितना है बेटा माइनस थ्री, प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है बेटा माइनस वन, अपॉन में 1 प्लस टू। दोबारा देखिए इस पॉइंट को जो हमारे पास m1 है, m1 को मल्टीप्लाई किया था x2 से ये लिख दिया, m2 को मल्टीप्लाई किया किससे x1 से ये लिख दिया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सेम बेटा y के लिए m1 को y2 से प्लस m2 को y1 से मल्टीप्लाई अपॉन में m1 प्लस m2, तो ये हमारे पास p पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। इसकी बेटा आप कैलकुलेशन सोल्व कर लेते हैं, यहां पर क्या आएगी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू प्लस एट डिवाइड बाय वन प्लस टू कितना हो जाएगा थ्री, कोमा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री, यहां पर आ जाएगा बेटा माइनस टू अपॉन में कितना आ जाएगा थ्री। आगे सोल्व करते हैं बेटा क्या आंसर बनेगा, माइनस टू प्लस एट कितना हो जाएगा बेटा सिक्स डिवाइड बाय थ्री, कोमा माइनस थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस का फाइव डिवाइड बाय थ्री, ये से कट रहा है बेटा कितने पे टू पे, कट रहा है तो कट कर दो नहीं तो कोई बात नहीं, अपना आंसर आएगा टू कोमा माइनस फाइव बाय थ्री। तो ये हमारा क्या पॉइंट बन गया बेटा पी। वन मिनट बेटा, हां जी अपने पास ये कौन सा पॉइंट आ गया बेटा पी पॉइंट आ गया। हां जी अब आगे देखिए बेटा, इसके बाद अब हमें निकालना है आर पॉइंट, तो बेटा ध्यान से देखिएगा एक्स वन वाई वन सेम रहेगा, अब आप एक बार इस पॉइंट को छोड़ दीजिए मतलब इस रेशियो को छोड़ दीजिए, तो अपने पास आर पॉइंट निकालना, तो इस पॉइंट को भूल जाइए, तो अपने पास अब रेशियो बनेगा, इसको हम बोल देंगे एम वन, इसको क्या बोल देंगे एम टू, ठीक है बेटा। तो अपना फॉर्मूला एम वन इंटू एक्स टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एम वन कितना है टू, एक्स टू कितना है बेटा माइनस टू, प्लस एम टू कितना है वन इंटू एक्स वन कितना है बेटा फोर, अपॉन में एम वन प्लस एम टू टू प्लस वन, कोमा एम टू कितना है टू इंटू में एक्स वन कितना है एम टू एम वन इंटू वाई टू, वाई टू कितना है बेटा माइनस थ्री, प्लस एम वन कितना है वन इंटू में वाई वन कितना है माइनस वन, अपॉन में टू प्लस वन। इस तरीके से बेटा हम इसको सोल्व करेंगे, फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, वही अप्लाई कर रहे हैं बार बार। आगे चलते हैं बेटा, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर, यहां पर आ जाएगा प्लस फोर डिवाइड बाय टू प्लस वन थ्री, कोमा लगाया इसको इससे करेंगे माइनस सिक्स, इसको इससे करेंगे माइनस वन अपॉन में टू प्लस वन थ्री। आगे सोल्व करते हैं बेटा क्या बनेगा, माइनस फोर प्लस फोर क्या हो जाएगा जीरो, जीरो डिवाइड बाय थ्री तो जीरो हो जाएगा, कोमा माइनस सिक्स और माइनस वन माइनस सेवन डिवाइड बाय थ्री, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा किसका आर का। तो हमें ये पता लग गया हमारा जो P पॉइंट आया बेटा वो आया टू कोमा माइनस फाइव बाय थ्री, और जो R पॉइंट आया बेटा वो आया जीरो कोमा माइनस सेवन बाय थ्री, ये दो आंसर बेटा हमारे बने। बेटा अगर इसने ट्राइसेक्ट बोला है तो हमने तीन हिस्सों में बांटा, मान लीजिए आपको अब एक लाइन दी हुई है और ये कह रहे हैं इसको फोर सेक्ट बनाइए, चार इक्वल पार्ट में बांटना है, तो आप यहां लिखेंगे वन टू थ्री, तीन लाइनें लगाएंगे यहां पर। अब देखिए एक हिस्सा सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों इक्वल पार्ट्स हैं, अब इनके जो रेशो बनाते हैं वो बनाना सीख लीजिए, उसके बाद तो ऐसे सोल्व होगा। वन रेशो वन रेशो वन रेशो वन लिख लिया नीचे, मान लीजिए इस पॉइंट का रेशो बनाना है, सिंपल तरीका है, इस पॉइंट से यहां तक आना है आपको तो कितने स्टेप चलना है वन, फिर यहां लगाओ रेशो, अब आपको इस पॉइंट से यहां तक आना है बेटा, देखो एक स्टेप ये मतलब फर्स्ट, एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप चलना पड़ेगा, तो इसका रेशो बनेगा वन रेशो थ्री। बेटा मान लीजिए ये पॉइंट निकालना है, अब आपको यहां से यहां तक आना है, सोचो कितने स्टेप चले, एक स्टेप इसका एक स्टेप ये रहा वन और वन टू रेशो, अब यहां से यहां तक आना है वन और वन टू, इसका भी सेम रहेगा। अब यहां पर आते बेटा इस पॉइंट के लिए यहां से यहां तक जाना है एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप थ्री रेशो, यहां से यहां तक आना है एक स्टेप, तो बेटा आप इसका ऐसे रेशो बना सकते हैं। अगर ये फोर सेक्ट बोले, अगर ये बोले बाइसेक्ट, मान लीजिए एक लाइन दी हुई है और बाइसेक्ट बनाना है ए और बी, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स हैं, तो आपका मन करे वन रेशो वन लिया तो यहां वन रेशो वन ही आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक आने के लिए वन स्टेप, यहां से वहां तक आने के लिए वन स्टेप। ये जरूरी नहीं कि हम शुरू में ही वन 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 लें,
पर जो भी लेंगे आप सेम लेंगे, मान लीजिए आप कहीं 222 लें तो आप 222 भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, इसके बाद बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बेटा आपको मैंने आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करवा दिया ट्राइसेक्ट के ऊपर। बाइसेक्ट आ जाए, ट्राइसेक्ट आ जाए, फोरसेक्ट आ जाए, एक ही बात है, मेथड आपको क्लियर कर दिया। हाँ जी बेटा, अब अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहे फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज। आपको एक लाइन ज्वाइनिंग के लिए दो पॉइंट दिए गए हैं, पहले पॉइंट का नाम ए रख लीजिए, दूसरे पॉइंट का नाम क्या रख लीजिए बी। ए पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट दिया हुआ है। हाँ बेटा, ए पॉइंट क्या दिया हुआ है, माइनस थ्री कोमा टेन और बी पॉइंट क्या दिया बेटा, सिक्स कोमा माइनस का एट। अभी हमें पूछ रहा है बेटा फाइंड द रेशो, पिछले क्वेश्चन में हमें यहां पर एक रेशो बता देता था और ये पॉइंट फाइंड करवाता था, इस बार आपको एक पॉइंट दे रखा है, इसने खुद ने दे दिया, कहता आपको जो रेशो बताना है कि किस रेशो में इसको कट करेगा, और आपको ये जो पॉइंट दिया हुआ बेटा डिवाइड करता है, वो पॉइंट है आपका -1.6। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चनों का रेसिप्रोकल है, जस्ट उल्टा। पहले मैं एंडिंग पॉइंट देता था और रेशो देता था, पॉइंट निकलवाता था, इस बार एंडिंग पॉइंट दिया, बीच वाला पॉइंट भी दे दिया, मतलब ये जहां पर रेशो पे कट करवाएगा वो दे दिया। अब अपने से बेटा ये रेशो पूछ रहा है, जब भी आपको रेशो निकालना हो तो बेटा आपने यहां पर एक ही रेशो एज्यूम करना, तो यहां पर हमेशा आपने के रेशो 1 एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है, हमेशा के रेशो 1, जब भी आपको रेशो फाइंड आउट करना हो, ध्यान रखना बेटा। ठीक है यहां तक? हां जी। अब बेटा हम इस रेशो को कैसे फाइंड करेंगे, वही कंसेप्ट लगाएंगे। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, इसको हम m1 नाम दे देंगे, इसको m2। एक बार इस p पॉइंट को छोड़ दीजिए, ठीक है, आप जैसे अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, p पॉइंट के अकॉर्डिंग में क्या फॉर्मूला लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं आप x कोमा y, लिखते हैं नॉर्मल फॉर्मूला, लिखते हैं m1 into x2 प्लस m2 into x1 by m1 प्लस m2, यही लिखते हैं, कोमा m1 into y2 प्लस m2 into y1 by m1 प्लस m2, राइट। हाँ बेटा, अब अपना p पॉइंट जो दिया इसकी जगह पर ये रख दीजिए, यहां पर लिखा है -1.6=2, यहां चलते बेटा। m1 कौन है यहां पर, देखो k इंटू में x2 कौन है बेटा 6 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है -3 अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब दोनों को प्लस कर देंगे k प्लस 1। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, कोमा यहां पर m1 कितना है बेटा, देखा जाए m1 है हमारा k इंटू में y2 कौन है बेटा -8 प्लस m2 कितना बेटा 1 इंटू y1 कितना है बेटा 10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। यहां तक क्लियर हो गया बेटा, आगे देखते हैं। यहां पर बन रहा है हमारे पास p पॉइंट जो दिया -1.6 दिया हुआ है, यहां पर सोल्व करेंगे, यहां जाएगा 6k -3 डिवाइड बाय k प्लस 1 कोमा, इसको से करेंगे माइनस का 8k प्लस का 10 डिवाइड बाय k प्लस 1। यहां तक समझ आ गई बेटा आपको बात? ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, बोथ साइड इक्वेट कर देंगे। आप यहां से p पॉइंट हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है मेन, तो अब हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट यहां पर जो वैल्यू है दैट मींस x, ये फर्स्ट वाले वैल्यू से कंपेयर हो जाएगा, -1=6k-3 डिवाइड बाय k प्लस 1 कोमा सेकंड पॉइंट को सेकंड से 6=-8k+10 डिवाइड बाय k प्लस 1। फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से हम कंपेयर कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा, जैसे इसको सोल्व करने इसके डिवाइड बाय 1 लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे। हाँ बेटा, -1 इंटू में क्या आ जाएगा k प्लस 1, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना क्या आ जाएगा 6k-3। हाँ जी, आगे चलेंगे, यहां जाएगा -k-1, यहां आ जाएगा आपका 6k-3। ठीक है बेटा यहां तक। इसके बाद देखिएगा अब हम क्या करेंगे, k वाले पार्ट को एक तरफ, बिना k वाला पार्ट एक तरफ, -3 को इधर ले आएंगे, -1 ये +3 हो जाएगा, k इधर आके प्लस का हो जाएगा 6k+k। यहां आगे बेटा आपका 2=2 कितना आ गया 7k। आगे बेटा यहां सोल्व कर रहा हूं इसको, 7 को नीचे ले आ गया आपका 7k=2 आ गया, तो k=2 क्या बन जाएगा बेटा 2/7। ठीक है बेटा, आपने k के लिए निकाली, चाहे आप इससे निकालो फर्स्ट वाले से, आप सेकंड से निकालो, ट्राई कर लो, सेकंड वाले से भी सेम आएगा। यहां पर 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, हाँ बेटा 6 ब्रैकेट में k+1, इस 1 को यहां गुना करेंगे -8k+10,
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहां देगा 6k प्लस 6 माइनस 8k प्लस 10, 8k को इधर ले आएंगे, 6k प्लस 8k, 6 को उधर ले जाएंगे, 10 माइनस 6, आगे क्या आएगा बेटा देखो, इन दोनों को प्लस कर दीजिए कितना हो गया 14k इक्वल्स टू, यहां कितना बन रहा है 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, k इक्वल्स टू 4 बाय 14, कट के आपका आंसर आ जाएगा 2/7, यहां पर कितना आ रहा है 2/7, यहां पर k का आंसर कितना आ रहा है 2/7। अब बेटा रेशियो कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, आप लिखेंगे रेशियो, आपने माना था k रेशियो 1 माना हुआ था, ठीक है, k के लिए कितनी आ गई बेटा 2/7, यहां 2/7 रख देंगे रेशियो 1, बेटा जो यहां पर 7 है ना, इस 7 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेशियो, इस 7 को यहां शिफ्ट कर देंगे 1 × 7, मतलब क्या हो जाएगा 2:7 लिख सकते हो, तो आपका जो रेशियो काउंट होगा बेटा क्या काउंट होगा 2:7, ठीक है बेटा। अब कई लोग लग रहे हैं 7 को यहां कैसे शिफ्ट करते हैं, तो इसका एक अल्टरनेट और बताया कौन, देखिए जिसको कंफ्यूजन है, जैसे यहां 2/7 है, ठीक है, रेशियो 1 था, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 से इसको कर दो ताकि फ्रैक्शन फ्री हो जाए, नीचे से पार्ट हटा दिया, 2 कितना आ जाएगा 7, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, रेशियो। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन का क्या था, अपोजिट था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद इसके अंदर दिया हुआ है एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है बेटा, 6 देखिएगा क्या कह रहा है, और जो बीच में क्वेश्चन छोड़ रहा हूं बेटा वो आपने खुद ट्राई करना है, ध्यान सुनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो बेटा इसका 6 दिया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा बेटा 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कहता इफ 1,2 4,y x,6 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ए ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बेटा ये कहता है आपको पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, जैसे यहां पर ए लिखा, बी लिखा, यहां सी लिखा, यहां डी। एक बात और आपको मैंने पहले ही बताया था, जैसे मान लीजिए आप यहां पर क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, यहां ए लिखा, बी लिखा, तो यहां पर सी नहीं लिख सकते, आपको एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ए बी सी डी, मतलब एक कंप्लीट सर्कल बनाना पड़ता है ऐसे, या आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, यहां ए लिखा ए बी सी फिर यहां डी आएगा, ठीक है, इसने बोला टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में ही लेना हमेशा ध्यान रखना। ए कितना दिया बेटा 1,2, बी कितना दिया बेटा हमें इसने, बी दिया हमें 4,y, सी हमें दिया बेटा इसने x,6 और डी हमें दिया बेटा इसने 3,5। क्या पूछ रहे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पहले से ही है कि मतलब पैरेललोग्राम का ही डायग्राम है, ध्यान रखना ये पैरेललोग्राम का डायग्राम है। अब इसने क्या बोला आपको बेटा एक्स और वाई बताना है बेटा। सबसे पहला पॉइंट सुनो बेटा, हमारे पास एक नया फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो आपको सिखा रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा ध्यान से बेटा, जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है ए जिसकी हम बात कर रहे थे x1 y1, यहां पर एक पॉइंट है दूसरा बी, इसका नाम रख लेते हैं x2 y2, ये दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा आप इस दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट बताओ, मिड पॉइंट बताना है बेटा। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है, यहां पर मिड पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला बना देते हैं हम, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है बेटा, जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो x1 प्लस इसका यहां से x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, क्या फॉर्मूला बन गया x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और यहां पर कोमा लगा के y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, क्या फॉर्मूला बनेगा मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। एक्चुअली बेटा ये फॉर्मूला आया कहां से, सेक्शन फॉर्मूले से ही ड्राइव किया हुआ है। देखिए कैसे, सब बच्चे सोचेंगे कैसे, मान लीजिए अब ये बेटा कह रहा है मिड पॉइंट बताओ, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांटना, तो मान लीजिए इक्वल हिस्सा मानना तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो ये m1 हो गया, ये क्या हो गया आपका m2, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मिड पॉइंट देखो, मान लीजिए इस पॉइंट को हम p पॉइंट बोल लेते हैं, तो हम कैसे बनाते थे m1 × x2, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना x2 से प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करना x1 से, 1 × x1 मल्टीप्लाई x1 अपॉन में क्या करते दोनों को सम 1+1, इसको सोल्व करके देखो 1 × x2 क्या आ जाएगा x2 प्लस 1 × x1 x1 डिवाइड बाय 1+1 2, चेक करो ये और ये सेम है, बस इसमें x1 आगे लिखा है प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, बात तो सेम है, जैसे x का बनाया वैसे आप किसका बना सकते हो y का। मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो लाइन है ना उसको हम सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो बेटा मैंने आपको यहां पर एक मिड पॉइंट फॉर्मूले के बारे में बता दिया, अब समझ आ गया होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको हम यहां पर यूज करेंगे इसलिए आपको मैंने बताया। अब ध्यान से सुनिए बेटा, जैसे इसका डायगनल है, मान लीजिए आपने एसी डायगनल बनाया, डायगनल की बात करो एसी बेटा, एसी का जो मिड पॉइंट होगा मान लीजिए यहां आ रहा है, ठीक है, ऐसे आपने बीडी का मिड पॉइंट बनाया इन दोनों का,
तो बेटा इसका मिड पॉइंट भी यहां, दोनों का जो मिड पॉइंट होता है ना वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। किसके अंदर? पैरेललोग्राम के अंदर। मैं ये बात बोलना चाहता हूं, ये हमारे जो क्वेश्चन चल रहा है वो सिक्स चल रहा है, यहां लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। एसी का जो मिड पॉइंट है वो हमेशा बीडी के मिड पॉइंट के इक्वल होगा, मतलब दोनों के डायगोनल जो है ना वो हमेशा मिड पॉइंट पे ही कट करते हैं, और मिड पॉइंट दोनों का क्या होता है, सेम। किसमें? पैरेललोग्राम में। तो बेटा देखो, अब मान लीजिए इसका मिड पॉइंट बना लिया एक्स वन वाई वन, ये हो गया एक्स टू, ये हो गया वाई टू। तो बेटा मान लीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ यहां पर, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू। एक्स वन कौन है? वन। एक्स टू कौन है? एक्स। यहां लिख दीजिए एक्स वन है वन प्लस एक्स टू की जगह आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई, डिवाइड बाई कितना लगाना है? टू। यहां लगा देंगे टू कोमा वाई वन कितना है? टू प्लस वाई टू कितना है? सिक्स। यहां जगह टू प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू। ये किसका मिड पॉइंट आ गया? एसी का। ऐसे हम किसका मिड पॉइंट निकालेंगे बेटा? बीडी का। बीडी के मिड पॉइंट के लिए इसको बोल दिया एक्स वन, इसको बोल दिया वाई वन, इसको बोल दिया एक्स टू, इसको बोल दिया वाई टू। फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स वन प्लस एक्स टू मतलब क्या है? फोर प्लस थ्री डिवाइड बाई टू। वाई वन मतलब वाई प्लस वाई टू मतलब फाइव डिवाइड बाई टू। आगे चलते बेटा इसके बाद, वन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू कोमा टू प्लस सिक्स एट डिवाइड बाई टू कितना आ जाएगा? फोर इक्वल्स टू यहां जगह बेटा सेवन डिवाइड बाई टू कोमा वाई प्लस फाइव डिवाइड बाई टू। ठीक है बेटा यहां तक। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, वन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू सेवन बाई टू, सेकेंड को सेकेंड से फोर इक्वल्स टू वाई प्लस फाइव डिवाइड बाई टू। ठीक है बेटा, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इससे, इसको इससे। यहां पर आएगा वन प्लस एक्स कितना मल्टीप्लाई में आ गया? टू। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू सेवन, इस टू को अंदर गुना कर दीजिए टू प्लस टू एक्स, यहां पर आ जाएगा फोर्टीन। इस टू को प्लस का इधर ले जाइए, किसका हो जाएगा? माइनस का। टू एक्स इक्वल टू फोर्टीन माइनस टू, टू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? ट्वेल्व। टू से इसको कट कर दीजिए, कितने कट जाएगा? सिक्स पे। तो एक्स का आंसर कितना आ गया? सिक्स। ऐसे बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां आ जाएगा फोर इंटू टू, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, यहां बन गया एट इक्वल टू वाई प्लस फाइव, फाइव इधर आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बेटा वाई का आंसर कितना आ गया? थ्री। ये हमारे पास x आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया? y। ये इसका क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया। आप यहां लिख सकते हैं इसका जो मिड पॉइंट है सिक्स कोमा, सॉरी मिड पॉइंट नहीं आया बेटा, ये x और y पूछा था, x और y आ गया। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना तो निकाल सकते हो, देखो यहां पर x1 y1 है, यहां पर x2 y2, यहां पर x को हटा के इसकी जगह पर आप सिक्स रख दो, इनको सोल्व करके आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। वैसे हमारे पॉइंट पूछा नहीं है, सिर्फ आपने मिड पॉइंट कंसेप्ट को यूज किया है यहाँ पे। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसके बाद बेटा अपने को जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है अपने पास, हाँ भाई नाइन्थ क्वेश्चन ध्यान रखना। अब बोल रहा चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो चार इक्वल पार्ट्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूं जब आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर टेंथ डिस्कस कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टेंथ डिस्कस करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, बाकी क्वेश्चन हम बता देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा एक्सरसाइज का, इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फिर आपकी 7.2 एक्सरसाइज क्या हो जाएगी बेटा? कंप्लीट हो जाएगी, और आपने ये वाली एक्सरसाइज की कंप्लीट करनी है। हाँ बेटा, 10th क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 9th क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के बिल्कुल जैसा है, वहां पर तीन पार्ट बनाए थे, ट्राइसेक्ट किया था, यहाँ फोर सेक्ट करने के लिए बोला हुआ, ध्यान रखना। हाँ बेटा, 10th क्वेश्चन क्या, अगर फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, आपको एक रोम्बस दिया गया है, ये आप शेप बना लीजिए, ये रोम्बस हो गया ए बी सी डी। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, एक रोम्बस होता है और एक स्क्वायर होता है। रोम्बस की चारों साइडें जैसे ये 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 और ये इक्वल होती हैं, वो तो स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं। रोम्बस का डायगोनल मान लीजिए एसी बनाया और बीडी बनाया, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता, मतलब ये बात बोल सकते हो आप, एसी इज नॉट इक्वल टू बीडी। रोम्बस में डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होता, बट ध्यान से सुनिएगा, अगर ये स्क्वायर होगा तो उसका डायगोनल भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट में फर्क है दोनों में, रोम्बस और स्क्वायर में ये डिफरेंस है। तो सुनिएगा क्वेश्चन नंबर हमें 10 क्या कहा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हूज वर्टिसेस आर गिवन। आपको इसके वर्टिसेस दिए हुए बेटा, और इसके बाद जो वर्टिसेस दिए वो हमें बता देते हैं क्या क्या दिए हुए, टेक्शन इन ऑर्डर। फर्स्ट वर्टिसेस दिया 3.0, सेकेंड वर्टिसेस दिया बेटा 4.5, थर्ड वर्टिसेस दिया बेटा हमें -1.4, और फोर्थ वर्टिसेस जो हमें दिया बेटा वो दिया हुआ है अपना -2
कोमा माइनस वन। ठीक है बेटा, ये हमें चारों वर्टिसेस कह दिया और टेकन इन ऑर्डर ए बी सी डी, सिर्फ फ्लो में ही लिखना है पूरा आपने। ठीक है, हाँ जी, अब आपसे क्या पूछा, आपको इसका एरिया निकालना है। तो बेटा समझिए पहले, अगर आपको एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या फॉर्मूला है, मतलब ये है कि आपने 1/2 लिखना है और इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट करना है। इसका पहला डायगोनल क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा। दूसरा डायगोनल क्या बन जाएगा, बीडी। या आप लिख सकते हो एसी इंटू में बीडी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 डी वन इंटू डी टू। डी वन का मतलब फर्स्ट डायगोनल और डी टू का मतलब सेकंड डायगोनल। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एसी और बीडी निकालना पड़ेगा। एसी और बीडी मतलब इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको यहां से। अब बताओ मुझे, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्या था बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा जो था, दो पॉइंट्स के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे बेटा, उसका फॉर्मूला था हमारे पास यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब जैसे मान लीजिए मुझे a और c का डिस्टेंस निकालना है, a क्या है 3,0, c क्या दिया हुआ है -1,4, ये बन जाएगा आपका x1, ये y1, ये बन जाएगा आपका x2, ये बन जाएगा y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो AC का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ये। क्या फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1। x2 कितना बेटा, यहाँ पर x2 आपका -1, x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है बेटा 4-0 का होल स्क्वायर। आगे बेटा इसको यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, -1 और -3 कितना हो गया -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 4-0 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा √32 हो जाएगा, कितना आ जाएगा √32। और आप √32 को सोल्व करना सिखाया था, 32 के फैक्टर 2 पे गया 16, 2 पे गया 8, 2 पे गया 4, 2 पे गया कितना हो जाएगा 2, 2 पे गया कितना हो जाएगा 1, मतलब ये बन गया। इसको आप लिख सकते हो ऐसे 32 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। अभी आपको बताया हुआ है रूट से वही टर्म बाहर आ सकते हैं जिसका पेयर बनेगा। एक तो ये पेयर बन गया 1 और एक ये 2 पेयर बन रहे बेटा। जो पेयर बनेगा वो एक बार बाहर लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है इन दोनों से एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों से एक 2 बाहर आ जाएगा। इसका पेयर नहीं बनाते रूट के अंदर, 2 × 2 √2, तो मतलब क्या बन जाएगा 4√2 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा आंसर, 4√2, ये रूट है ध्यान रखना। अब हमने एसी निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है बीडी। तो अपन क्या करेंगे, बी लेके चलेंगे पॉइंट क्या अपने पास 4,5, और एक हम डी लेके चलेंगे -2,-1। ये x1, ये y1, ये x2 और ये क्या बन जाएगा y2। अब बीडी का डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा आपको भी, ऊपर लिखवा रखा है ये रहा। हाँ जी, x2 कितना है बेटा -2, x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -1, -5 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं बेटा क्या बनेगा इसका आंसर, यहाँ -2 और -4 -6, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस -1 और -5 -6, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 36 प्लस 36 क्या आ जाएगा √72। अब बेटा 72 के साइड पे फैक्टर करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 2 पे गया 36, 2 पे गया 18, 2 पे गया 9, 3 पे गया 3, 3 पे गया 1। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास, बन रहा है 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये बन गया बेटा। आपने अब ये देखना है इसमें से किस किस का पेयर बन रहा है, एक तो 2 का पेयर बन गया और एक हमारे पास 3 का पेयर बन गया। तो बेटा जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और इधर से 3 बाहर आ जाएगा। इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर रहेगा, आपका आंसर बन गया 6√2। अब हमारे पास एसी भी आ गया और बीडी आ गया। एसी को आप डी1 नाम दे सकते हैं और बीडी को क्या नाम दे सकते हैं डी2, मतलब दोनों डायगोनल आ गए हमारे पास। अब हमारा एरिया क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। क्या फॉर्मूला है बेटा, 1/2 × d1 × d2, 1/2 d1 कितना बेटा अपने पास 4√2, d2 कितना है 6√2। बेटा अब आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, पहले समझा देता हूं। ये 4 × 6 ये लिख दिया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो √2 × √2, तो √2 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब दैट मींस 2। अपॉन में क्या पड़ा है 2 पड़ा है। अब 2 से 2 कैंसिल हो सकता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24। एरिया को बेटा हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं, यहां लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स।
कितना आंसर आएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब अपने आंसर भी टैली कर लेते हैं, हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बेटा। तो ये बेटा हमारी सेकंड एक्सरसाइज इसकी क्या हो गई कंप्लीट, 7.2 आज आपको मैंने कंप्लीट करवा दी। ये किसके ऊपर करवाया बेटा, आपको मैंने एक सेक्शन फॉर्मूला बताया आज, और एक आपको क्या बता दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसकी एक एक्सरसाइज हो जाएगी बेटा 7.3, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चा।